तो इसी बीच सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक मंच देना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना हो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन की योजना हो, डिजिटल इंडिया की योजना हो, ये सभी युवाओं को प्रोत्साहित करने का एक अभियान है। मैं भी देख रहा था युवक मंगल दल से जुड़ी हुई एक बालिका, वो स्वयं बीटेक कर रही है और युवक मंगल दल से जुड़ करके पूरे गांव को इसके साथ जोड़ रही है, और ऐसे अनेक युवक मंगल दल, यानी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं देख रहा था, यानी 5 साल पहले जिस विभाग को कोई पूछता नहीं था, उस विभाग में आज 77,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दल हैं, और इसमें भी केवल है ही नहीं, विभाग की अपर मुख्य सचिव ने 65,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन सामग्री अब तक वितरण करने की कार्रवाई संपन्न भी कर दी है। आप अनुमान कर सकते हैं, मुझे लगता है कि पता नहीं वो रिटायर हो गई हैं या रिटायरमेंट होने वाली होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि युवकों को कैसे एक रचनात्मक दिशा दी जानी है, ये उसका एक उदाहरण है। 65,000, अगर एक युवक मंगल दल में 20 भी बच्चे होंगे, 20 भी युवा या युवतियां होंगी, अनुमान कर सकते हैं आप कितना ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। एक बहुत अच्छा कार्य है, रचनात्मक कार्य है, और आज ये जो प्रोत्साहन सामग्री मिल रही है कितना अच्छा मिला। फुटबॉल भी है, वॉलीबॉल भी है, कैरम का बोर्ड भी है, और भी अच्छा, और एक नहीं चार चार एक साथ दी जा रही है, यानी आप चाहेंगे तो पूरे गांव को, जो प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से हर एक भारतीय को किसी एक खेल के प्रति जागरूक करने के लिए कहा, और अभी सांसद खेल प्रतिस्पर्धा भी हुई थी गांव गांव में, एक एक संसदीय क्षेत्र में 8 से 10 हजार युवा खिलाड़ी पैदा हुए हैं, और उसका परिणाम भी देखने को मिला। ओलंपिक में भारत की सबसे बड़ी टीम गई, और ओलंपिक के इतिहास में भारत ने सर्वाधिक मेडल भी भारत ने जीते हैं, ओलंपिक में भी पैरालंपिक में भी, यानी भारत आज एक नया भारत है। जब नया भारत है तो नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के लिए हमारे युवाओं ने भी कमर कसी, और युवा कल्याण विभाग ने जिस रचनात्मक तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है वो अभिनंदनीय है, सराहनीय भी है। गांव गांव में खेल का मैदान हो, ओपन जिम का निर्माण हो, ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण हो, आज ये कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, और बहुत सारे गांवों में तो हम लोगों ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के कैंपस में ही, उसके परिसर के पास ही खेल का मैदान बनाया है, बच्चे भी खेलते हैं और गांव के लोगों को भी खेल का मैदान मिल जाता है। कितना अच्छा कार्यक्रम हुआ, यानी कन्वर्जेंस के माध्यम से विभिन्न विभाग लीड कर रहा है, युवा कल्याण विभाग, लेकिन उसमें ग्राम्य विकास, पंचायती राज विभाग या नगर विकास विभाग, ये सभी लोग मिलकर के उस कार्यक्रम के साथ जुड़ जाते हैं, राजस्व विभाग, ये सभी लोग मिलकर काम करने लगते हैं, तो बच्चों के लिए एक मैदान मिलता है, एक खेल का मैदान मिलता है। हमारे यहां कहा भी गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी हमारी भारतीय मनीषा ने सदैव इस बारे में माना है कि अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ होंगे, इसकी मैं कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। और जो ज्यादा खेलते कूदते हैं, जो बच्चे अच्छे खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में उनका कुछ नहीं हुआ, जो घर में बैठ करके, कार्यालयों में बैठ करके केवल खाली दिमाग शैतान का घर वाला कार्य करते हैं, कोरोना उनको ज्यादा प्रभावित कर रहा था, और वह एक स्थिति आप सबके लिए कि अच्छी दिशा में एक रचनात्मक सोच को आगे बढ़ाना, और यह कार्यक्रम यहां पर किया। दूसरा, इस विभाग ने कार्य और किया, देखिए पीआरडी जवान सदैव उपेक्षित रहते थे, उनको प्रदेश सरकार के द्वारा कितना पैसा मिलता था साल में, 23 करोड़, और डिंपल वर्मा जी ने इस राशि को कितना बढ़ा दिया, 156 करोड़, 156 करोड़ रुपए की राशि चली गई, और 156 करोड़ राशि नहीं गई, उनके मानदेय को भी बढ़ा दिया, 375 से बढ़ा करके 395 इस बार किया क्या कर दिया गया है। तो यह एक उत्साहवर्धन होता है, कैसे हरेक
दिशा में कार्य किया जा सकता है, कैसे उनका रचनात्मक उपयोग किया जा सकता है, कैसे हम लोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करना चाहेंगे। मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहूंगा, खेल प्रोत्साहन की जो सामग्री आपको उपलब्ध कराई गई है, आज तो युवा कल्याण विभाग अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होगी 12 जनवरी को, 12 जनवरी से लेकर 23 दिसंबर तक लगभग 23-24 कार्यक्रम होते हैं, जिन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर हमारे युवाओं को प्राप्त होता है, और उन कार्यक्रमों के माध्यम से गांव में सामाजिक सौहार्द की स्थापना करना, गांव के युवा मिलकर के एक रचनात्मक दिशा की ओर अपने गांव को ले जा सके, स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करके पूरे गांव में स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और गांव में एक बेहतरीन माहौल बनाकर के अपने गांव को भी हम एक स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित कर सकें, यह हमारे युवाओं का दायित्व होना चाहिए। युवा कल्याण विभाग के जुड़े हुए हमारे युवाओं का दायित्व होना चाहिए। स्वस्थ खेल प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, कबड्डी है, या फिर अन्य वे खेल खो खो है, ये सभी खेल जो गांव में एक आनंद का माहौल पैदा करें, गांव में रामलीला का आयोजन हो, गांव में भजन कीर्तन के आयोजन हो, गांव में कुछ अच्छे रचनात्मक कार्यक्रम के साथ गांव जुड़ सके, आज उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। याद रखना, गांव भारत की एकात्मता का आधार है। हमारे गांव सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे, तो यह स्वस्थ, सुंदर और समृद्ध का लाभ हमारे देश को भी मिलेगा, देश की आय पर इसका असर पड़ेगा। गांव में हर एक दिशा में एक रचनात्मक कार्यक्रम के साथ जुड़ना, और युवक मंगल दल और महिला मंगल दल भी इसी उद्देश्य से गठित किया गया। युवक मंगल दल 1956 से चले आ रहे हैं, महिला मंगल दल 1982 में गठित हुए थे, और तब से लगातार अपेक्षित ध्यान नहीं दिया, बीच के कालखंड में उपेक्षित हो गए थे, खेल सामग्री नहीं मिलती थी, उनके साथ कोई संवाद नहीं होता था, पता नहीं कहां से डिंपल वर्मा जी ने ढूंढ ढूंढ करके प्रदेश के अंदर 77,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दल बना दिए, बहुत बड़ी संख्या में बना दिया, बहुत बड़ी संख्या में, और मुझे लगता है कि ये बड़ी संख्या अच्छा है। हर ग्राम पंचायत में, हमारा मानना, हर राजस्व गांव में एक युवक मंगल दल या महिला मंगल दल होना ही चाहिए, जिससे वे वहां पर रचनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ा सकें। पर्व और त्योहारों में शांति और सौहार्द बनाए रखना, गांव में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो उसमें सामुदायिकता का असर दिखाई दे, सौहार्द दिखाई दे, आपस में भाईचारा दिखाई दे, खेल कूद की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके अपने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए तैयार कर सकें, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके जब विभाग इस चीज को तय कर रहा था, मुझे याद है पिछले 3 बार से लगातार मैं यहां पर युवा कल्याण विभाग के द्वारा प्रोत्साहन सामग्री वितरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ा रहा हूं। कोरोना कालखंड कम संख्या में बच्चों को, मंगल दल और युवक मंगल दल कम संख्या में बुलाया गया, लेकिन पिछले कार्यक्रम बड़े बड़े हुए हैं, बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, अन्य जनपदों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और मैं देखता था कितना उत्साह है युवकों में, और इसी को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने तय किया, 2 प्रकार की योजनाएं हमने तय की थी, की है, एक स्नातक और परास्नातक हर एक युवा को हम टैबलेट अथवा स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम वर्तमान में कर रहे हैं। जो ये बच्ची यहां पर अभी थी, बीटेक कर रही है, उन लोगों को हम टैबलेट देने जा रहे हैं, या तो मिल गया होगा, नहीं तो मिल जाएगा, मिल गया, देखो उसको मिल गया, खड़े हो जा थोड़ा, तो देख तो लेंगे लोग सभी, तो देखो उसको टैबलेट भी मिल गया है, ऐसे सभी को हम देने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में लगभग 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उन्हें डिजिटली स्मार्ट बनाएगा, प्रदेश विकास के एक नए पायदान पर आगे बढ़ करके देश में नंबर 1 का प्रदेश बनेगा। इस दिशा में हम लोग प्रदेश के अंदर इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, इनका